3, 2, 1, hello, assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal Ali and you're watching I Am Bilal. आज हम बात करेंगे, लेक्चर नहीं दे रहा भाई, लेक्चर नहीं दे रहा, पता तो आपको लेक्चर नहीं दे रहा, या मतलब पर्सपेक्टिव पर बात कर रहे हैं, ऐसे डिस्कशन हो रही है, अच्छी गुफ्तगू हो रही है, जिंदगी पर थोड़ा गुफ्तगू हो रही है थोड़ी सी, जहाँ पे हम लोग किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, किसी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हाँ मुझे है ना कुछ थोड़ा डीपर जा रहे हैं दिमाग में और इमोशंस में, ठीक है। खैर आज बात करेंगे सेल्फ पिटी पे, द बेचारा माइंड सेट, ठीक है ना। द थिंग इज कि रिसेंट पास्ट में ना बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत अवेयरनेस फैल रही है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, विच इज़ अ गुड थिंग मेनली। कुछ जगहों पे आई फील के जो है ना एक्सप्लॉइट भी हो रहा है कुछ जगह पे, इस तरह के रीडिंग का चार्ट के USA में फोर्थ या थर्ड बिगेस्ट इंडस्ट्री मानी गई है मेंटल हेल्थ, ठीक है ना। कुछ जगह पे एक्सप्लॉइट भी हो रहा है और कुछ जगह पे जो है वो एक्सेस से आ रहा है, ठीक है ना। और मेरा बड़ा बड़ा मेरे कुछ बड़े सवालात हैं, मेरे कुछ बड़े اعتراضات ہیں ان لوگوں سے، ان لوگوں سے نہیں جن کے مسائل ہیں، ان لوگوں سے جو کہ نا یہ پوسٹیں بنا رہے ہوتے ہیں اور جو کہ نا یہ انسٹاگرام وغیرہ پر جو کہ طرح سے تھوڑی سی گائیڈنس ٹائپ دے رہے ہوتے ہیں یا وٹ ایور یو وانٹ کال اٹ، جو کہ نا دیر دیر کر رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام وغیرہ پہ۔ دا تھنگ از کہ ایکنالوجنگ سم ونز پین از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو اوور کمنگ اٹ، ایکنالوج کرنا ہے اپنے، پھر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ठीक है। एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, ये नहीं कह सकता कि चल चल हो गया तेरा चलिए, एक्नॉलेज करना है अपने, समझना है और जेन्युइन एम्पैथी से सुनना है, समझना है, ठीक है ना। दैट बीइंग सेड आपने उस बंदे को ये भी श्योर करना है, या अगर आपको बंदे अगर इतफाक कर किसी बंदे ने आपसे गुफ्तगू कर दी इस टॉपिक पर, तो आपने इंश्योर करना है कि वो वहीं पर रुका तो नहीं रहा, ठीक है ना। और कैसे इंश्योर होता है, इंश्योर तब होता है जब आप उस बंदे को ज़्यादा या देर देर निकल शुरू हो गए, बिकॉज आप सिंपति नहीं दे रही उसको, अगर आप सिंपति दोगे तो वो उस लूप में फंसता रहेगा, ठीक है ना। आपने उसको एम्पति दे दी है कि हाँ यार तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, ठीक है ना, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, लेकिन इंशाल्लाह हम ओवरकम करेंगे इसको। मैंने बुक लिखी थी, ठीक है, द कोड टू कॉन्शियसनेस, सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ हल्की हल्की सी, लेकिन द थिंग इज कि ये बुक जेन्युइनली बहुत अच्छी है इस सेंस में कि हाउ टू डील विद इमोशंस, बड़े अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने मुझसे करवा दिया ये काम, कि बड़े सही तरीके से लिखा है। क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं आती, हमारे यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं, एक तो ये है कोई बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना है मेंटल हेल्थ को कि भाई जाओ नमाज पढ़ो, दूसरी ये है कि मेंटल हेल्थ को इतना कोई बड़ा बोझ बना देना है। इट इज़ अ थिंग, इट्स अ ऑब्स्टिकल, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन इट्स नॉट अनरिकवरेबल, ठीक है ना, ठीक है ना, इट्स नॉट इरिवर्सिबल, याद रखना है बात, इट्स नॉट अनकॉन्करेबल, यू कैन कॉन्कर इट, यू कैन ओवरकम इट, ठीक है ना। तो आपने इम्पावर करना है अगले को, आपने अगले को सिंपति के दंगल में नहीं घुसा देना कि तुम तो बस अब तो गए, ये होगा तुम्हारे साथ, सॉफ्ट नहीं बनाना आपने, आपने इसको स्मार्ट बनाना है, ठीक है ना। ये मेरे अक्सर मैं देखी ऐसी पोस्ट है, मुझे ना थोड़ा सा इख्तलाफ भी होता है कि ना ठीक है आई गेट वेट यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है ना, आई गेट के बंदे को सारा कुछ सुनना जरूरी भी होता है, ठीक है ना, लेकिन आपने बंदे को एक बड़ा मोटिव भी देना है, अपने बंदे को इंकरेज करना है, अपने बंदे को पुश करना है। इसलिए मैंने बुक का नाम रखा हुआ था कोड द सर्टन इन अनसर्टन, द कोड टू कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एज इन कॉन्शियसनेस, तो खैर बहुत फिलोसॉफिकल आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा अगर सिंपल अफसर समझाऊँ तो इख्तियार, इख्तियार उस चीज़ पर जिस पर इख्तियार दिया है अल्लाह ताला ने आपको, जो वाहिद चीज़ जिस पर अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है आपको, आपकी ये है नफ्सियात, नफ्स, ठीक है, सोच, नीयत, ये वाह चीज़ पर आपको सही वाला अख्तियार दिया है। तो कोड टू कॉन्शियसनेस ये है कि आप अपने जो भी आपके इमोशनल ब्रेक डाउन है या फिर मुश्किल हैं उनको ओवरकम करो, अगर वो आप पे चढ़ जाए, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक मैं सैड हूँ तो मैं सैड हूँ, इट्स लाइक कि मैं सैड हूँ लेकिन मैं सैड क्यों, ठीक है ना, मैं सैड क्यों, आई नो यू टू बी सैड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अब ये एक्टिंग नहीं करनी, अंदर अंदर से समझाना है, ये पूरी बुक में ये प्रोसेस बताया है मैंने टेक्निक्स के साथ, आप बुक चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट में मेरी अवेलेबल है। खैर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या कहते हैं उसको,
अपने आपको ना कभी भी सेल्फ पिटी की उसमें डालना कि मेरे साथ जो हुआ है तो बहुत ही बुरा हूँ, मेरे साथ होता ही यही है, मेरे साथ होगा ही यही, ठीक है ना? बिकॉज आई एम, ट्रस्ट मी, इफ़ यू समवन इज़ लाइक दैट तो मैं उसको ऑब्वियसली एम्पथी तो दूंगा, लेकिन उसको कभी भी ये नहीं होगा बेटे तू इसी तरह फंसेगा, उसे भाई आपने उठना है, अब आपने खड़ा होना है, ओवरकम करना है, आपने ज़िंदगी का मकसद ढूंढना है, ठीक है ना? तो या दिस वॉज बेसिकली द वीडियो, दिस वॉज द बेसिकली व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू से, कि अगर आप सेल्फ पिटी की फीलिंग में है भी ना, ऑब्वियसली पता ही चलता बंदे का मैं सेल्फ पिटी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि हर चीज़ आपके खिलाफ है, ज़िंदगी अक्सर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, ठीक है, जो कि लगता है हमें और लगना चाहिए भी, ऑब्वियसली जुल्म और दुख इज़ नॉट समथिंग जो कि, इट्स नॉट समथिंग टू बी टेक टेकन एज अ जोक, ठीक है? सब कुछ लोगों के बड़े मुश्किल से इफेक्ट होते हैं, और आजमाइश आता, और आजमाइश आती ही तब है जो कि वो आजमाइश होती है, टेस्ट टेस्ट करने के लिए आता है, टेस्टिंग होता है, इसलिए टेस्ट है वो, ठीक है ना? तो आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, आई नो इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, बट देन अगेन यू कैन डू इट, यू नीड टू डू इट, एंड यू विल डू इट इंशाल्लाह। ये अप्रोच रखें जिंदगी में, कोई मसला हो, कोई वाकया हो, बड़े से बड़े वाकया, अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो मैं कोचिंग भी करता हूँ, लाइफ कोचिंग भी, तो बड़े बड़े जीव जी वाकया भी आते हैं, लेकिन कभी मेरा घबराना नहीं है, मैं खुद नहीं घबराता और मैं अगले को भी नहीं घबरा नहीं देता, ठीक है? कि बात बिल्कुल दुखी, दुख की बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब हो गई है, अब डाया करना है ये हमारे पे, ठीक है ना? तो कभी भी सेल्फ पिटी या इसमें मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, मेरी मुकद्दर ही यही है, ये नहीं करता, ठीक है ना? मैं आपको फिर बताया, वह चीज़ जिसका इख्तियार है आपके पास, वो है आपकी नीयत, नफ्सियात, ठीक है ना? तो इस पे पूरा काबू रखना है इंशाल्लाह, नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह वो भी अच्छे करेगा, वसाइल भी अच्छे करेगा, आपके मुकद्दर भी अच्छे करेगा। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बोल बोल के पिछले घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, तो बात थक गई है। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।